भ्रष्टाचार के बेताज सरगना भूमाफिया के पुलिस दलाल भगवंत सिंह हिंगण के खिलाफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हवाई अड्डे के निकट एक आरएसएस के युवक द्वारा उनके काफिले के आगे आकर पेट्रोल डालकर आग लगाने की घटना को गंभीरता से लिया गया। इंटेलिजेंस विभाग के कायवाह एसपी भंवर सिंह हिंगण से जवाब तलब किया गया है। वहीं एक और दूसरी बड़ी चूक, सागौत के नौटंकी विधायक भारत सिंह की विधानसभा दर्रा में राहुल गांधी की सभा से पूर्व विधायक हीरालाल और उनके समर्थकों ने जो विरोध प्रदर्शन किया और इंटेलिजेंस पुलिस कप्तान सिंह और उनकी पूरी टीम इतनी बड़ी घटना की कोई पूर्व में कोई तहकीकात नहीं कर पाई और वे अपने मिशन में सफल हो गए। क्या भगत सिंह अपने पुराने आरएसएस धर्म को निभाते हुए राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को फेल करवाना चाहते थे? इतने बड़े कांड होने के बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हिंगण के राजनीतिक आकाश शांति धारीवाल में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाए, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि वरिष्ठ पत्रकार रमेश गांधी ने हाल ही में डीजीपी से मुलाकात व दौरान की उनके संज्ञान मिलाई तो उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है और विभागीय जांच शुरू कर दी है। बता दें वही दूसरी ओर करोड़ों की संपत्ति कमाने वाले, करोड़ के आलिशान महलों में रहने वाले भगवंत सिंह हिंगण की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यवाहक डीजीपी को की गई है। उन्होंने भी जांच शुरू कर दी है। कुल मिलाकर 18 वर्षों से आधे से ज्यादा कोटा शहर में और आगे से ज्यादा ग्रामीण अंचल में नौकरी करने वाले भगवंत सिंह ने पुलिस के नियमावली को भी तोड़ दिया है और पिछले वर्ष प्रमोट हुए थे तब पुलिस एक्ट के मुताबिक प्रमोशन होने वाले अधिकारी को पुलिस मुख्यालय भेजा जाता है। 6 महीने बाद उसे फील्ड में पोस्टिंग मिलती है, लेकिन उसने अपने आका से ही पुलिस मैनुअल एक्ट की धज्जियां उड़ाई और कोटा में ही पहले आईजी ऑफिस में पोस्टिंग ले ली। तत्कालीन आईजी गौड़ ने उनकी हरकतों के कारण उन्हें 15 दिनों में हटाकर सीआईडी में पोस्टिंग करवा दी। पिछले 1.5 माह से अधिक हो जाने के बाद भी यह महाशय जी पर्दे के पीछे से एचपी का रोल अदा कर रहे हैं और प्रवीण तो मात्र रबर स्टाम्प है। उन्होंने अभी तक उनके प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगा दिया है, कईयों के हिस्ट्री शीटर खोल दी है, कई संगीन धाराओं में से अपराधियों को बचा कर निकाल दिया है। अगर हिंडन नया पासा फेंक और प्रवीण जैन में खो लगाकर स्वयं अतिरिक्त सिटी पुलिस कप्तान की कुर्सी हथियाना चाहती है तो इसी के कार्यकाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के दाएं बाएं हाथ कुंदन यादव की दादावाड़ी में हिस्ट्री शूटर का फोटो कोतवाली में लगाया गया है। वहीं दूसरे मीणा समाज के युवा नेता धीरज गुर्जर के करीबी सत्येंद्र मीणा की थान कुन्हाड़ी में नंबर 1 के फोटो के साथ लगाई गई है, इसलिए तो वे चहेते बने हुए हैं शांति धारीवाल की।